नमस्ते शशका, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ सैयद हाशमी मियाँ जी का वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जादू मंत्र के चक्कर में नहीं हैं। हम लोगों ने देखा है कई लोग होते हैं ना, जो बाबा मौलवी वगैरह होते हैं, पंडित वगैरह, कई ऐसे जो शमशान में रहते हैं वो वाले पंडित, वो लोग काला जादू भी करते हैं। और कई बार सुनने में आया है कि लोग काला जादू करते हैं जिससे वो किसी दूसरे बंदे को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए इसमें देखते हैं कि सैयद हाशमी मियाँ जी का क्या कहना है ये कहकर कि हम जादू मंत्र के चक्कर में नहीं आते। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दीजिएगा। 33 करोड़ देवी देवता हैं और न कटाहरो देवी कम पर है तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में ना जाइयो। आज हम बताएंगे भगवान कितने हैं। देखो भगवान एक होते हैं, पर भगवान कितने हैं? देवी देवता तो 33 करोड़ हैं, बाकी भगवान एक ही हैं। समाज में वही महान है, उसी से सरोकार है, उसी का इख्तदार है, उसी की सरकार है, जो जादू जानता। अब वो जादू रहा नहीं, जादू ऐसा हुआ करता था, रस्सी फेंके मंत्र पढ़े सांप हो जाए, और जो आदमी उनकी फरमाबरदारी ना करे, उनको सजदा ना करे, उसको बुलाते थे, मेरे आगे झुक सजदा कर, ना बोले मंत्र पढ़ा, उसे गधा बना दिया। अब सामने एक गधा बन गया, दूसरे आदमी से बोले तू करता या गधा बनता, आंख से देख रहा है कि गधा बना दिया। ऐसा जादूगर आपके गांव में आ जाए, मंत्र पढ़े कुत्ता बना दे, उसे कहना बाबा मेरे को कुत्ता मत बना, कोई इज्जत नहीं है कुत्ते, मेरे को गाय बना दे। कुछ तो लोग मेरे को माँ कहेंगे, प्यार से खाना खिलाएंगे। कितनी खतरनाक ताकत है ये, इंसान को जानवर बना दे। अब मारे डर के तुम सजदा करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन कुर्बान जाओ औलिया अल्लाह पर। भारत में आए, कौड़ीनार शरीफ में आए, बंगाल में आए, गुजरात में आए, राजस्थान में आए, उत्तर प्रदेश में आए, और सारे जादूगरों को मुसलमान बनाया। अब जब वो मुसलमान बन गए तो उनकी सारी ताकत सीमित हो गई, किसी को सिखाया नहीं, क्योंकि सिखाना हराम है। अपने सीने में ही लेकर दुनिया से चले गए, कुछ टोना टोटका बचा है, छूछा मियां बीवी को लड़ा दो, लव मैरिज करा दो, ये छोटे मोटे टोटके बचे हुए हैं जिसको हमारी खानकाहें निपट जाती। और कोई बड़ा सेव आ जाता है तो दरे मखदूम अशरफ खुला हुआ है। गैरते मुस्तफा कितनी नाजुक है, अगर अली ने कजा पढ़ा तो मेरी मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। डूबा हुआ सूरज पलटा, अब मैंने सूरज से कहा हमारे देश में तेरी बड़ी महानता है, न जाने कितनी औलादों का पिता है। हिंदुस्तान की जमीन बहुत अच्छी, सूरज से बच्चे, हवा में उड़ते बच्चे, मछली के पेट से बच्चे, जबरदस्त मुल्क है, बहुत महान है तू। अब ये बता कब डूबेगा, अब कब डूबेगा? बोले पहले पूछा होता तो मैं वो टाइम टेबल बता देता जिस टाइम टेबल से सारे साहबा ताबईन तबे ताबईन वाकिफ थे। मुझे देख करके, सिद्दीक़ अकबर हों कि फारूक आजम हों कि हजरत ज़ुन्नूरैन हों कि मौला अली मुश्किल कुशा हों, हसनैन करीमैन हों या शय मुबशरा हों या मुहाजिरीन व अंसार हों या आज की तारीख में गुजरात के लोग हों, सब सूरज को देख कर टाइम टेबल बनाते थे। क्यों मुफ्ती इस्माइल साहब, ये रमजान का टाइम टेबल बनाते हो ना, सुबह शादी इतने बजे है, फजर इतने बजे है, जोहर इतने बजे है, मगरिब, और मौसम बदलता है टाइम टेबल बदल जाता है। तो मौला अली भी
जब मदीने में थे तब कूफा मुकद्दसा पहुंचे तब हमेशा सूरज को देख कर टाइम टेबल बनाते थे। सरकार ने फार्मूला बताया था, जब सूरज यहाँ होते ये नमाज़ें, यहाँ होते ये नमाज़ें, मिसलैन पे पहुंचे तो असर पढ़ो, जोहर ऐसे पढ़ो, डूब जाए तो मगरिब पढ़ो, और जब फिजा में आए शफक खत्म हो जाए यानी यूं समझो डेढ़ दो घंटे के बाद ऐसा पढ़ो। मैं कब डूबूंगा बेवकूफ, पहले क्यों नहीं पूछा, मैं बता देता कब डूबूंगा। अब तो अली से पूछो इनकी नमाज कब पूरी होगी। सूर्य मौला अली को नमस्कार कर रहा है, ये सूर्य नमस्कार हम पहले से जानते हैं कि ये हमारे पीर आने पीर को नमस्कार करता है, हमें क्या जरूरत है, ये तो हमारे बड़ों को नमस्कार कर चुका है। अरे जब बगदाद में गौसे आजम थे उन्हें भी नमस्कार करके निकलता था, और जब डूबता था तो समाचार दे के डूबता था। हमारा समाचार फेसबुक यूनिवर्सिटी से नहीं, करामत और रूहानियत के खजाने से निकलती है। अब अली से पूछो कब नमाज पूरी होगी, मैं तो इन्हीं के लिए आया हूं। 5 मिनट अगर अली नमाज पढ़ेंगे मैं 5 मिनट नहीं डूब सकता, 10 मिनट पढ़ेंगे मैं 10 मिनट नहीं डूब सकता, बड़े इत्मीनान से आधा घंटा पढ़ेंगे तो मैं आधा घंटा नहीं डूब सकता। जब तक नमाज पूरी नहीं होती अली की मैं डूब नहीं सकता। क्या मतलब, तवज्जो, जब तक अली ने कुर्बान नहीं किया। अली सूरज को देखा करते थे और जब मुस्तफा पे कुर्बान हो गए सूरज अली को देखने लगा, और जब समाज की मानसिकता का विकास हुआ, जब मानव गुणों का महत्व हुआ, जब ह्यूमन वैल्यूज, बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास दौलत हो, समाज में बड़ा आदमी वो है जो दुखियों का दुख दूर कर दे, सबसे बड़ा आदमी वो है जो गरीबों की गरीबी मिटा दे, कोढ़ियों को अच्छा कर दे, अंधों को आंखें दे दे, हदिया की मुर्दे को भी जिला दे, वो महान है। ऐसी मानसिकता के समाज में अल्लाह ने अपने तक लाने के लिए ईसा रूहुल्लाह को भेजा। लेकिन जब और विकास हुआ, मानव समाज बादशाहत करके देख चुका, हकीमी करके देख चुका, आयुर्वेद को जान चुका, यूनानी को जान चुका, हिकमत को जान चुका, बड़े बड़े तलवार चलाने वालों को देख लिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देख लिया, मगर समाज में शांति नहीं थी। बादशाहत है मगर शांति नहीं, मोहल्ले में दौलतमंद है मगर शांति नहीं, राजपाट पर बैठे मगर शांति नहीं, राज का झगड़ा एक ही परिवार में हो जाए तो भारत में खून की नदियां बह जाएं, शांति नहीं। अमेरिका को शांति चाहिए, यूरोप को शांति चाहिए, एशिया को शांति चाहिए, मानव समाज को शांति चाहिए। अब वही सबसे बढ़िया देश है जहां शांति हो, वही अच्छा प्रदेश है जहां शांति हो, वही बढ़िया परिवार है जहां शांति हो, और वही दिल दिल है जिसमें शांति हो, वही दिमाग दिमाग है जिसमें शांति हो। जब शांति का महत्व बढ़ गया और दुनिया शांति की भूखी प्यासी नजर आई तो मेरे रब ने इनकी तसल्ली के लिए पैगंबर अमनो शांति मोहम्मद अरबी को भेजा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, लेकिन इसमें मुझे ये समझ नहीं आया था जब सैयद हाशमी ने बोला था कि जो सूरज था वो अली को माथा टेक के निकलता था, बिकॉज मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा या कभी ऐसा कोई वाकया सुना नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइए अगर कुछ ऐसा हुआ था तो मैं वो जरूर देखना चाहूंगी कि वो कब हुआ था ऐसा। या फिर मुझे लग रहा है कि इनका हो सकता है कि कहने का पर्पस ये हो कि जो सूरज थे उनसे वो टाइम देखते थे कि अब मॉर्निंग की नमाज का टाइम हो गया है, आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में, फिर रात की जो नमाज पढ़ी जाती है, तो शायद इसलिए उन्होंने बोला होगा। कि बाकी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इस पॉइंट से उनका कहने का क्या मकसद था,
बाकी बहुत ही अच्छा वीडियो, आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।